चलो फोटो खींचो भाई। पानी लगल तो कुछ पपीता गल गए तो फिर बिच्ची तैयारी करिए तो बिच्ची तैयारी करिए तो फिर बढ़ गए तो फिर जो फरल रही अखन फरल गया तो पपीता से ना हम बहुत उतने में हम 40,000 रुपया हम भैया के दीदी के दे दिलिए दियो में आ हम दे दिलिए पपीता बचल है तो भैया चल कर देखिए उतना हम कर्जा चुका दे जो नीरा से इतना हो इतना पैसा बढ़ल है 5,00,000 भैया हमरा में शुद्ध हो गए आठ आठ साल में हमरा 5,00,000 शुद्ध हो गए दीदी से इतना ले उससे कोई अंतर नहीं है और क्या कहता है कि सब दीदी को बताया कि दीदी एक दीदी कितनी का 75% में मतलब ज़्यादा ही फायदामंद है तो हम लोग ले सकते हैं। 10,000 से जाना पड़ता था उसमें 2,000 रुपये हम लोग जमा किए थे 110 रुपये से 10% जमा किए थे और फिर क्या कहता है कि इसके मत जहाँ फूल लगता है वहाँ पर हम लोग बच्चा का मार्गदर्शन करके लीची हो गया जैसे सरसों हो गया कितना दीदी इसमें 125 आप क्या है इसमें इसमें सर हम ऐसे तो ACWS जिनका और सदस्य भी है सर क्या लिखा है क्या कहता है उसके लिए हम लोग डीआरसी भी रखे हैं तो जानकारी हमसे नहीं प्राप्त होगा वो बताएंगे करना है इंग्लैंड से आया तो क्या बताइएगा मक्सा कहाँ क्या करेगा उसको मधुमक्खी कहाँ से लेगा पालन कैसे करेगा मधु कैसे निकालेगा जी उसको बतलाते हैं इसमें जो भी होता है उसको हम लोग नए आदमी जो आते हैं ये फ्रेम निकाल के उनको समझाते हैं ये लड़वा है ये जीरा है इसमें ये बीमारी लगता है इसका यह दवा होना चाहिए यह उपचार होना चाहिए लड़वा उसमें हम रानी पैदा करती है जीरा रानी जीरा पैदा करती है उससे वर्कर मक्खी जो होती है वो बॉयल जली भर के उसमें उसको लड़वा बॉयल जली दे दे के लड़वा बना उसमें आ जाए और उससे वो बच्चा मान लीजिए 7 से 8 दिन में वर्कर मक्खी का ब्रूड पैक हो जाता है 12 से 13 दिन में बाहर हो जाता है रानी मक्खी 22 से 23 दिन में बाहर क्वीन भी कहाँ से मिलता क्वीन उसी में से जीरा वह जो वर्कर मक्खी है
वो अपन जीरा को सराश मैंने तराश के निकाल लेती है जहाँ इसको हम क्वीन बनाएंगे तो अच्छा हो, स्वयं बनाती है क्वीन उसी छत्ता में। कहूँ बाहर से इसमें क्वीन डेवलप नहीं किया जाता, इसमें डाला नहीं जाता। ऐसे मधुमक्खी काटता नहीं है? हाँ काटता है, अभी आप लोग रहते हैं तो कभी काटा? हाँ काटता है, कभी कभी एक साइंटिस्ट को कल काटा उसको तो प्राणी ले लिया। नहीं सर, सीजन में हम लोग रस फुराते हैं तो सैकड़ों काट लेती है एक दिन में। हाँ हाँ, उससे कोई अंतर नहीं है। रस छुराते हैं इसको सीजन में, झाड़ने के समय सैकड़ों मक्खी काट लेती है, जैसे इसमें खाली दाग है काटने के काम। तो चलो फोटो खींचो भाई। एने ना पानी भैया लग ना यार, ने पानी ले के सूख गए ले एन की छ भैया गद्दी करैया मोती तो नहीं। हां तो ये सब पपीता ना भैया से ले लेके खरीद के अपन बेचत रहे, तो ये हमरा कहल के ये ना ऐसे पपीता में बहुत आमदनी है, हमरा पपीता के खेती करे के हम कहले कि ना हो तो असर ना करना हो ना सर चला अथी से जीविका से मतलब पैसा मंगा दे। कहलिए ठीक है, तो दीदी सर से पूछ लिए जे हमें बेटा 1,00,000 रुपया मंगे छे देव। कल के तू सधाओ? हम कहले हाँ सधा देवे, हम नानी होती तो सधाबे ना कला। तो 1,00,000 रुपया कल के ठीक है खेती करे लेबो पपीता तो देवो। तो पहले बोरिंग करा लिए, पानी पटाबे के लिए तो बोरिंग करा लिए, तकरा बाद हम अपने बिच्ची तैयारी भैया करें उषा से लिए बिच्ची। अच्छा, तो पिए फोटो वाला गिलास नहीं है? अच्छा, हमें पुरान का गुआ ले कर माटी मल कर तब ओकरा गर्दा कर गिलास में रख कर हल्का मतलब छिट कर दिलिए, तक बाद बिया डाल कर वही में रख दिल जलम लाए, जलम लाए तो घर में रख दिलिए, हमें फुहारा पानी देवे लगे। जब छोटा बड़ा बड़ा पेड़ होल, बड़ा बड़ा पेड़ होल तो हम खेत में जंदा रोपा दिलिए, कदुआ है, परवल है, टमाटर है, सबके सब्जी के खेती, तो सब्जी में तन ज्यादा आमदनी हो तो वही कैली। बेटा के अपना गद्दी है तो कल अपन बेची है बाहरों बाहर। दीदी लोग याद की है दीदी की बहुत सालों में, और उनके द्वारा ये कलम भी बांधा गया है, कलम दीदी की नर्सरी का ही होता है सर, और नर्सरी सर चला रहे हैं। दीदी लोग जो 2 साल पहले लगाई है वो अभी है, इनफैक्ट सर आम का पौधा लगाई थी, इस बार आम भी पौधा लगा रखा सर, उधर भी है सर। खुर्पी क्या है? उधर खुर्पी बाद में, खुर्पी ठीक है ऊपर करके।